What's up everybody and welcome back to another video. मुझे आज VR में गेम्स खेलने का बहुत मन कर रहा है। मतलब कल रात को मैंने YouTube पे किसी को VR पे गेम खेलते देखा और भाई उसे क्या मजा आ रहा था। वो अपना मुंडी को ऐसा ऐसा घुमा घुमा के गेम खेल रहा है, मतलब ऐसा ऊपर देख रहा है, आसमान दिख रहा है, ऐसा नीचे देख रहा है, जमीन दिख रहा है, जमीन होता है नीचे, साला गंदे दिमाग वाले। मतलब वो ऐसा आंख में डब्बा लगा के ऐसा ऐसा इधर उधर देख रहा है, क्या मजा आ रहा है खेलने को। और ये मजा मेरे को भी लेना है यार। मैंने आज तक बहुत ही अलग अलग डिवाइस में गेम खेले पर मैंने आज तक कभी भी VR नहीं खेला है। तो यार जल्दी चलते हैं Amazon पे और ऑर्डर करते हैं एक VR हेडसेट अपने लिए जिसपे अपन लोग गेम खेल सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम लोग Amazon पर आ चुके हैं और यहाँ पर मुझे सर्च करना है VR हेडसेट। यस, VR हेडसेट, और हमें डायरेक्टली सामने VR हेडसेट मिल चुका है, HTC Vive Pro। तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। ये VR सोने का है क्या? What the hell? 94,000 रुपीस का VR हेडसेट और इसका एक्चुअल MRP 1.5 लाख रुपया है। ये डिस्काउंट में 94 का मिल रहा है। है? VR इतना महंगा आता है? रुको गाइस, ये वाला शायद से महंगा होगा। ऐसा हो सकता है कि ये वाला थोड़ा सा महंगा हेडसेट है, कोई दूसरा देखते जो सस्ते में आता हो। हाँ, ऑक्यूलस का देखते, ऑक्यूलस सस्ते में आता है, ऑक्यूलस VR हेडसेट ये सस्ते में आता है। ओ, ये रहा ऑक्यूलस क्वेस्ट 2 एडवांस्ड ऑल इन वन। और ये 50,000 का है? साला 1 लाख का MRP 50% ऑफ देके 50,000 का मिल रहा है। ये सारे VR हेडसेट इतने महंगे क्यों है? ओह यस गाइस, मेरे को फाइनली एक सस्ता VR हेडसेट मिल चुका है और ये PSVR का है और ये हेडसेट बस 2,000 रुपए का है। गाइस ये हुई ना बात, यहाँ पे 1.5 लाख 1 लाख का हेडसेट मिल रहा है, ये हेडसेट होना चाहिए। मतलब मेरे को पता है कि VR ऐसे 5-10 हजार के ऊपर नहीं हो सकता है और वहाँ पे 1.5 लाख का VR बेच रहे। रुको जरा। ऑलराइट गाइस, तो अपने को 2,000 रुपए का VR हेडसेट मिल चुका, अपन जल्दी इसको ऑर्डर करेंगे। और ये क्या, ये स्टैंड है? PSS VR स्टैंड। आर यू सीरियस? 2,000 रुपए का ये स्टैंड आता है बस? 2,000 रुपए का VR का स्टैंड है सिर्फ? ओह शिट, इसका मतलब गाइस जितने भी VR हेडसेट है ये सारे VR हेडसेट इतने महंगे आते हैं। ये क्या है, 40,000 का VR हेडसेट? ये तो अलग ही दुनिया में, ये 1 लाख का बिक रहा है। मतलब एक सेकेंड, जितने भी लोग YouTube पे VR हेडसेट से गेम खेल रहे हैं उन लोगों ने ये 1-1.5 लाख रुपए का VR हेडसेट खरीदा है। भाई मेरे को लगता था VR 5-10 हजार का आता होगा, मैक्स कितना यार 15,000 का आता होगा। ये क्या है? नहीं 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 गाइस, अगर VR हेडसेट इतना महंगा आता है तो मेरे को नहीं मंगाने का भाई, मेरे को VR में खेलना ही नहीं है। पर एक सेकंड, मुझे शायद से VR हेडसेट का एक जुगाड़ पता है। और गाइस अगर ये जुगाड़ अभी तक काम करता है तो मैं लिटरली 1,000 रुपए के VR हेडसेट पे अपने फोन के मदद से VR में गेम्स खेल सकता हूँ। नहीं, मोबाइल गेम्स की बात नहीं करो, लेजिट PC गेम्स। ओके, जल्दी चल के एक सस्ता वाला VR हेडसेट मंगाते हैं। ये कितना है? 2,000 नहीं, और सस्ता, 1,000 नहीं, यस ये चाहिए मेरे को, 1,999, यस। ये क्या है, ये 3,000 नहीं, ये बहुत महंगा हो गया। ओके आई थिंक सो 1,999 इज द चीपेस्ट जो मुझे मिलेगा और ये बेस्ट सेलर है, इसपे 3,000 रिव्यू है, तो अपन इसको जल्दी जल्दी चल के ऑर्डर कर लेते हैं। और इसमें आई थिंक सो कि हम लोग हमारा फोन डाल के खेल सकते हैं। यस, इसमें फोन डाल सकते हैं हम लोग, तो मैं जल्दी चल के इसको ऑर्डर कर लेता हूं। और इसके डिलीवर होने के बाद हम लोग इसके साथ वो जुगाड़ को ट्राई करने वाले हैं कि क्या वो जुगाड़ अभी तक काम करता है। और अगर वो जुगाड़ काम करता है गाइस, तो हम लोग लिटरली 2,000 रुपए में 1 लाख रुपए के हेडसेट वाला काम कर सकते हैं। के पेमेंट डन, ऑर्डर प्लेस हो चुका है और ये कल डिलीवर होगा, तो मैं तुम लोग से मिलता हूं कल इसके डिलीवर होने के बाद। द नेक्स्ट डे। ओके, तो हमने जो VR हेडसेट ऑर्डर किया था वो हेडसेट फाइनली आ चुका है। ऑलराइट, सो ये रहा अपना डब्बा, मैंने इसके जो बाहर का जो Amazon का डब्बा था वो फेंक दिया निकाल के और मैं इसको अंदर लेकर आया हूँ। ओह बाय द वे, आई थिंक तुम लोग को ये चीज दिख गया है और तुम्हें पता है कि ये चीज क्या है। ये आई थिंक कल शाम को आया था और कल शाम से मैं इसको ओपन नहीं किया, मैं इसको ऐसे रख दिया, मुझे इसको वीडियो में ओपन करना है। ये प्ले बटन कौन से चैनल का आया है?
अगर तुम्हें पता है तो इसका वीडियो उसी चैनल पर आएगा, तो तुम लोग से मिलता हूँ उस चैनल में। ऑलराइट, बैक टू आवर आज का कंटेंट। ओ बाय द वे गाइस, ये वाला डब्बा खोलने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज, क्या तुम लोग को पता है कि हमारा जो ये चैनल है वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बस इतू सा करीब है, इतू सा। जिसका मतलब ये है कि ये जो डायमंड प्ले बटन है ये लिटरली मतलब मेरे हाथ के ऊपर ऐसा इधर ही जुड़ रहा है। तुम लोग क्या करने का है, नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसके पास जाना है और सब्सक्राइब बटन को दबाना है। जैसे सब्सक्राइब बटन को दबा दोगे ये जो प्ले बटन है ये फट से मेरे हाथ पे गिर जाएगा। नाइस। और अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी वीडियो को लाइक करो। आज की वीडियो का लाइक गोल रखते हैं 50,000 लाइक्स का। तो तुम लोग को ऑलरेडी पता है कल हमने बहुत सारे अलग अलग वीआर के हेडसेट देखे और सारे बहुत महंगे थे, 1.5 लाख 1 लाख के हेडसेट थे। इतना महंगा मैं ऑर्डर नहीं कर रहा हूं, तो हमने सस्ता सा जुगाड़ वाला ये ऑर्डर किया जो लिटरली 2,000 रुपए का, पर ये दिखता अच्छा खासा है। और एक्चुअली मतलब ये जो हेडसेट है, ये हेडसेट में तुम सिर्फ मोबाइल लगा के वीआर यूज कर सकते हो, पर अपने पास एक जुगाड़ है जिस जुगाड़ की मदद से हम लोग इसके अंदर हमारे पीसी गेम्स को खेल सकते हैं। ये जुगाड़ थोड़ा पुराना है तो आई एम नॉट श्योर कि ये जुगाड़ अभी तक काम करता है कि नहीं, होपफुली अभी तक काम करे, पर उससे पहले चल के इसको जल्दी अनबॉक्स करते हैं। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू वन हैंड अनबॉक्सिंग। मैंने इसका सीट ऑलरेडी निकाल लिया ताकि अनबॉक्स करने में आसानी हो, नहीं तो मैं रोज ऐसे ऐसे घुमाता रहता हूं हाथ पैर। ऑलराइट, तो अपन इसको खोलते हैं। ओह नाइस, मतलब इसका मेरे को पैकेजिंग अच्छा लगा यार, 2000 के साथ मतलब ठीक है, मतलब 2000 ज्यादा पैसे लिए पर पैकेजिंग इसका अच्छा है। ऑलराइट, इसको खोलते ही ऊपर कुछ पुस्तकें दी है, पुस्तकें पढ़ते हैं। यहाँ पर ये चीजें कोई एक्चुअली पढ़ता है? कोई बात नहीं, हम भी नहीं पढ़ेंगे, तो इसको साइड में रख देते हैं। इसके बाद इसका वारंटी कार्ड है, इसको भी साइड में रख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अंदर हमारा असली माल। ओ ये, अबे यार अच्छा दिख रहा है बे, मतलब अगर मैं किसी को दिखा दूं उसको मतलब वो समझेगा नहीं कि यार ये सस्ते वाले के महंगे वाला है। अबे इसके अंदर कपड़ा भी दिया है, आई थिंक इससे हमको ग्लास को पोंछने के लिए कपड़ा दिया है साथ में। और ये थैली के अंदर से निकल गया अपना वीआर हेडसेट, हमारा लिटरली 2,000 रुपए का वीआर हेडसेट जिसमें हम लोग आज खतरनाक वाले पीसी गेम्स खेलने वाले। तो अगर तुम लोगों को पता है ऐसे हेडसेट्स के बारे में, यहाँ पर दो ऐसे लेंस होते हैं और आई थिंक सो ये सामने से कहीं से तो खुलता है ऐसा करके, हाँ ऐसा करके खुलता है। फिर इसके अंदर इधर ऐसा मोबाइल डालने का और फिर इसको ऐसा थोबड़े पे लगाने का, और थोबड़े पे लगा के तुमको मस्त वीआर वीआर दिखेगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइस। अबे यार आवाज ही नहीं आ रही, मेरे को लगा चर्र करके आवाज करेगा, मजा आएगा, पर कुछ आवाज ही नहीं आया। तो ये दो प्लास्टिक निकालना ही पड़ेगा अपने को। अपन ये प्लास्टिक को रख सकते हैं, नहीं इसको भी निकाल देते, इसके अंदर गंदा दिख रहा है। हाँ ओ भाई यार दिख अच्छा रहा है बे, मतलब अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और इसमें तुम लोग को मैं भी दिख रहा हूँ। हेलो 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 गाइस, हेलो हेलो व्हाट्सअप, कोनिचिवा एवरीबॉडी, हाँ कोनिचिवा कोनिचिवा। ऑलराइट, इसको अपन जल्दी से पहन के देखते हैं कि ये कैसा बैठ रहा है, इसका फिटिंग कैसा है। इसको पहनने के लिए मेरे को चश्मा निकालना पड़ेगा, मैं चश्मे के साथ इसको नहीं पहन सकता हूं। तो ये अपन ने चश्मा निकाल लिया और ये थोड़ा सा टाइट लग रहा है, अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। आई होप सो तुम लोग को मेरा मुंडी दिख रहा है, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। VR, yeah! ओ ऊपर आसमान, घंटा ऊपर कुछ नहीं है, काला काला दिख रहा है मेरे को अंदर। ओ शिट, मेरे को पता नहीं तुम लोग कैमरा में दिख भी रहा हो कि नहीं दिख रहा हूँ। आई थिंक मेरे को इसका थोड़ा सा ट्रैप को ऐसा एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसमें सा मस्त एक्सटेंशन दिया है स्ट्रैप को एक्सटेंड करने के लिए। तो अपन फटाफट से थोड़ा सा स्ट्रैप को ऐसा एक्सटेंड कर लेते हैं और ये आई थिंक सो अभी मस्त है, अभी मस्त है। ओ यस, अभी ये मस्त है और ये अपन ने वीआर हेडसेट पहन लिया है। ओ नाइस नाइस, आज इस वीआर हेडसेट के साथ अपन मस्त मस्त गेम खेलने वाले। साला मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है और मैं ऐसा उठ के जा रहा हूँ, होपफुली मैं मेरे घर को जानता हूँ कि मेरे घर में किधर क्या है, मेरे को गिरना नहीं है। देखो इधर दीवार है, ये दीवार है ठीक है, हाँ ये मेरा स्विच बोर्ड है, इधर मेरा प्ले बटन्स है, हाँ ठीक है बराबर, इधर मेरा पीसी है इधर नीचे। अभी अगर मैं ऐसा आके जाएगा तो इधर मेरा कुर्सी, मेरा कुर्सी किधर है? ओए कुर्सी किधर गया, मेरा दीवार आ गया ऑलरेडी, मेरा कुर्सी किधर है? तो कुर्सी इधर है, कोई बात नहीं, जल्दी चलते अपने पीसी के ऊपर और अपन चल के तैयारी करते वीआर पे गेम खेलने का। सो यार मैं इस वीआर के डब्बे की बिल्ड क्वालिटी देख रहा हूँ और इसकी एक्चुअली बिल्ड क्वालिटी ना प्लास्टिक है, पर यहाँ पर ना इन्होंने मस्त कुशन दिया है जिससे थोड़ा ऐसा कंफर्ट है। और मेरे को एक सबसे सही चीज यही लगा कि इसका यहाँ पर जो अंदर जो यहाँ मटेरियल है ना वो मस्त ऐसा सॉफ्ट सा मटेरियल है। और पता है मजे की बात क्या है, इन्होंने यहाँ पर एक बटन दिया है नीचे, जिस बटन को प्रेस करने से ये देखो ना ये बीच का
ये ऐसे मूव होता है, मतलब इस बटन के मदद से हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे पास ऐसा एक वीआर डब्बा था बहुत पहले, आई थिंक आज से 5-6 साल पहले होगा, और उसका जो ये एरिया था ना, ये जगह इतना गंदा था कि मेरे फोन के स्क्रीन में ऐसा माइक्रो स्क्रैच आ गए थे, और उसमें ये बटन भी नहीं था, तो इट्स अ गुड थिंग। तो यार अपना वीआर का डब्बा तैयार है, अभी अपन आ चुके अपने पीसी में, जल्दी चल के पीसी पे वो ऐप डाउनलोड करते हैं जिस ऐप की मदद से हम लोग इस डब्बे पे पीसी वाले गेम्स खेलने वाले, मतलब लिटरली हम लोग इसको ऑक्यूलस बनाने वाले आज। और यार गाइस, तो जो ऐप को हम लोग यूज करने वाले हैं वो ऐप का नाम है वी रिच, और यहाँ पर इन लोग ने दिखाया है कि ये कैसे काम करता है। लिटरली तुम्हारे पीसी में जो भी चल रहा है वो तुम्हारे फोन में कुछ इस तरह से आएगा और तुम अपने फोन को घुमा घुमा के देख सकते हो। गाइस ये जुगाड़ लिटरली बहुत ज्यादा ओपी है। तो अभी जो हमारा ये डिवाइस है, अगर तुम्हें पता नहीं कि ये डिवाइस काम कैसे करता है, ये डिवाइस है बेसिकली तुम्हें तुम्हारे फोन में कोई भी वीआर वीडियो लेना है और तुम इसको फोन को तुम्हारे इसके अंदर डाल देना है, और जैसे ही तुम फोन को ऐसे ऐसे घुमाओगे तुम्हें इसके अंदर ऐसे वीआर जो है ना तुम ऐसे ऐसे घुमा घुमा के देख सकते हो। अब लिटरली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो हमारे गेम्स है उस गेम्स को हमारे पीसी से हमारे फोन पे भेजने वाले, ये फोन को लगाने वाले इसके अंदर, और देयर वी हैव इट गाइस, हमारे पास लिटरली हमारा सस्ते का वीआर तैयार है। गाइस लाइफ में इतना जुगाड़ होना चाहिए कि जो 1.5 लाख का सामान है उसको तुम बिना खरीदे भी वीआर खेल सकते हो। शिट, ये वीडियो देखने के बाद उन लोग का क्या होगा जिन लोगों ने लिटरली 1.5 लाख का वीआर खरीदा है, और मैं 2000 का वीआर खरीद के वीआर में गेम खेलने वाला हूँ। बट नहीं नहीं गाइस, नहीं रुको, अभी तक कंफर्म नहीं है चलेगा कि नहीं चलेगा, जल्दी से ऐप को डाउनलोड करते और चला के देखते कि ये चीज काम करेगा या नहीं करेगा। ओके तो मैंने अभी इस चीज को मेरे पीसी पे डाउनलोड कर लिया है, अभी मुझे इसका जो ऐप है उसको मुझे डाउनलोड करना है अपने फोन पे, और मैंने इसको फोन पे कर लिया है, और जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया ये चीज यहाँ पर आ चुका है, इसने कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया और ये यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अभी यार फ्री में ना ये सिर्फ अपने को 5 और 5 मिनट का दे रहा है, बट आई थिंक सो अपने को उससे ज्यादा ही लंबा खेलना है, तो मेरे को शायद से इसका प्रो खरीदना पड़ेगा। बट गाइस ये देखो, ये चीज यहाँ पर इस तरह से काम कर रही है, पर अपने को ना सबसे पहले गेम चला के ट्राई करना है। ओके तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि ये चीज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे स्टीम वीआर का ऐप है, तो अपन जल्दी जल्दी चल के स्टीम वीआर को चालू करते हैं, और स्टीम वीआर चालू करते आई थिंक सो स्टीम वीआर इस पे कुछ ना कुछ भेजेगा, और यस ये यहाँ पर रनिंग हो चुका है, और आई थिंक सो ये स्टीम वीआर का, ओ यस स्टीम वीआर इज नाउ प्लेइंग, और स्टीम वीआर ने डिटेक्ट भी कर लिया है कि मेरे पास ये वाला डिवाइस है, और ये देखो ये जो तुमको दिख रहा है मेरे फोन पे ये स्टीम वीआर से आ रहा है, मतलब ये चीज काम कर रहा है। अभी अगर मैं इस चीज को इस डब्बे के अंदर डालूं, इस डब्बे को मेरे आंख पे लगा लूं, तो लिटरली वी हैव वीआर, हमारा वीआर काम कर रहा है, वो भी इतने सस्ते में। शिट यार गाइस, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज एक्चुअली काम करेगा, पर ये चीज एक्चुअली काम कर रहा है। ऑलराइट गाइस, तो अभी इस चीज का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास ना वीआर के वो हाथ में जो कंट्रोलर आते वो नहीं है, वो जो असली जो वीआर होता है जो लाख लाख रुपए का आता है उसमें वो कंट्रोलर होता है, पर हमारे पास वो कंट्रोलर नहीं है। तो हम लोग क्या करने वाले, हम लोग खेलने वाले माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर, क्योंकि मेरे पास फ्लाइट सिमुलेटर का कंट्रोल ऑलरेडी है और मुझे इसके लिए कीबोर्ड माउस का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो एक काम करते, जल्दी चालू करते माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर, वीआर को सेटअप करते, डब्बे में लगाते, और तुम लोग से मिलता हूं मैं गेम चालू करने के बाद। भाई आज मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोगों ने लॉन्च कर लिया है माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर, हमारा वीआर हेडसेट तैयार है, इसके अंदर मैंने अपना फोन डाल लिया है और ये स्टीम वीआर रन कर रहा है, जिसका मतलब इसके अंदर वीआर चल रहा है। अभी हम लोग फ्लाइट सिमुलेटर के अंदर एक प्लेन के अंदर जाने वाले हैं और इस हेडसेट को लगाएंगे, और वीआर में मैं सबसे पहली बार प्लेन उड़ाऊंगा। ऑलराइट, तो मेरे को चश्मा निकालना पड़ेगा इसके लिए, चश्मे के साथ हम लोग वीआर नहीं खेल सकते, तो जल्दी जल्दी काम करते चल के अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग हमारे प्लेन के अंदर आ चुके जो है मुंबई एयरपोर्ट में, हम लोग टेक ऑफ करने वाले मुंबई एयरपोर्ट से, और एक ऐसा मस्त गोल सा राउंड मार के वापस आकर यहीं पर ही लैंड करने वाले। तो अपना प्लेन फिलहाल बंद है और ऑफ कोर्स अपना वीआर भी कनेक्टेड नहीं है, अभी हम वीआर को ऑन करने वाले। मैं जल्दी से हेडसेट को लगा लेता हूं, यहां पे मुझे कुछ भी वीआर एक्चुअली नहीं दिख रहा है, और जैसे ही मैं कंट्रोल और टैब दबाऊंगा ये स्विच होने वाला है वीआर मोड पे, और यस ये वीआर मोड पे स्विच हो गया। रुको, अपने को इसको सेंटर करना है। ओ यस, ये सेंटर हो चुका है, क्या तुम लोग को दिख रहा है? यस, तुम लोग को दिख रहा है। ओके, अपना वीआर चालू हो गया है, पर यार अबे इसमें मेरे को बहुत लो क्वालिटी दिख रहा है, मतलब हेडसेट के अंदर बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी आ रहा है। क्या मैं इसका कुछ सेटिंग बदल सकता हूँ क्या, क्योंकि मेरे को हेडसेट के अंदर लिटरली कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या दिख रहा है। ओ ये रहा वीआर का सेटिंग जो एक्चुअली पूरा लो पे रखा हुआ है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ना बस सेटिंग को बढ़ा लेते हैं।
ओके आई थिंक सो कि अपना थोड़ा सेटिंग वगैरह कुछ बढ़ गया होगा। ओके जल्दी चल के कंट्रोल और टैब दबाते हैं जिससे हम लोग स्विच हो जाएंगे वीआर मोड में। और हम लोग आ चुके हैं वीआर मोड में। ओके हमारा वीआर चालू हो गया, थोड़ा सा बेटर क्वालिटी है, मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ। ओ यस ये हमने सेंटर कर लिया, थोड़ा सा बस ये ग्लासेस पे सेटिंग कर ले। ओके डन, मेरे पास ये कंट्रोल है और मेरे पास ये कंट्रोलर है, तो इन दोनों कंट्रोलर की मदद से मैं इस प्लेन को उड़ाने वाला हूँ। और ओके ये चीज चल रहा है, ये भी चीज चल रहा है, ठीक है, नाइस नाइस नाइस, दोनों चीजें चल रही है, ये भी काम कर रहा है। ओके वेरी नाइस वेरी नाइस। अभी अपने को सबसे पहले चल के इस प्लेन को चालू करना है, क्योंकि अपना प्लेन बंद है। और प्लेन को चालू करने के लिए सबसे पहले ऊपर अपने को बैटरी ऑन करना है, क्योंकि हमारे पास आज एक्सटर्नल पावर नहीं है, यूजुअली एक्सटर्नल पावर होता है। और बैटरी ऑन करने के बाद एयरबस का रूल है सारे व्हाइट स्विच को, मेरा माइक है, मैं डर गया क्या, ये सारे व्हाइट स्विचेस को ऑफ करना है जो यहाँ पे फ्यूल के पंप थे, इसको हमने ऑफ कर दिया। ये अपना बैटरी चालू हुआ क्या, हाँ ये बैटरी चालू क्यों नहीं हो रहा है, ओ यस बैटरी चालू हो गया, ठीक है। अभी अपने को चालू करने का है अपना एपीयू, तो एपीयू के ऑन होने का वेट करते हैं। तब तक यार मेरे को ना अभी तक कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है, ये सब कुछ मेरे को थोड़ा ब्लरी ब्लरी दिख रहा है, मुझे पता नहीं तुम लोग को कैसा दिख रहा है, आई होप सो तुम लोग को सही क्वालिटी दिखे, बट मेरे को थोड़ा सा, थोड़ा नहीं मतलब थोड़ा ज्यादा ही मेरे को चीजें ब्लरी ब्लरी नजर आ रही है। ओके तो यहाँ पर ऊपर अपना अवेल आने का वेट करना पड़ेगा, जो मुझे समझ में नहीं। ओके आ गया अवेल, आ गया ऊपर, और अपना एपीयू चालू हो चुका है, अपन एपीयू का ब्लीड ऑन कर लेंगे। ये सारे लाइट्स वगैरह ऑन कर लेते हैं। ओके लाइट्स को टेक ऑफ पे कर लेते हैं। लोग को सीट बेल्ट लगाने बोलते हैं, जो मैं हमेशा भूल जाता हूँ, लैंडी एयरवेज में कोई भी सीट बेल्ट लगा के नहीं उड़ता है, बट आज सब लोग सीट बेल्ट लगाएंगे लैंडी एयरवेज में, ठीक है। तो हमारा ये सब कुछ हो चुका है, अभी जल्दी इंजन को ऑन करते हैं। ये ऑन हो गया अपना इंजन नंबर टू, एक्चुअली ऑन हो रहा है, ऑन हुआ नहीं है, ऑन हो रहा है इंजन नंबर टू। अबे ये क्यों आ गया ऊपर। ओके अभी इंजन को थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑन होने में। और यार वीआर क्या मस्त दिख रहा है यार, मैं लिटरली घूम घूम के यहाँ वहां से देख सकता हूँ, और अगर मैं प्लेन के बाहर जाऊँ तो मैं वैसे भी देख सकता हूँ, वो देखो ऊपर आसमान। मेरे को यहाँ पे लो क्वालिटी दिख रहा है, आई थिंक सो। ओके 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 तुम लोग को अच्छा क्वालिटी दिख रहा है यहाँ पे, मेरे को गंदा क्वालिटी दिख रहा है। ओके होपफुली अपना ये इंजन चालू हो गया, दूसरा इंजन भी ऑन कर लेते हैं, ठीक है। जब तक अपने इंजन ऑन हो रहे अपन फटाफट चलते हैं अपने प्लेन को लेकर रनवे के ऊपर। पार्किंग ब्रेक को अपन ने ऑफ कर लिया, इसको थोड़ा वापस सेंटर कर लेते हैं। ओके रीसेंटरिंग, ठीक है सेंटर हो गया, थोड़ा सा हल्का थ्रस्ट देंगे। यार ये कुछ ज्यादा ही मस्त दिख रहा है यार ये कुछ, मतलब ऑनेस्टली आई थिंक अगर मैं कोई प्रॉपर वीआर हेडसेट लेता तो उसमें और ज्यादा मजा आता, पर ये बुरा नहीं है, इसमें ही मजा ही आ रहा है। ओके होपफुली अपना रनवे पे जाते जाते अपने दोनों इंजन चालू हो जाएंगे, तो अपन फटाफट से टेक ऑफ कर पाएंगे। अबे यार तुम लोग को शायद से ना दो दो स्क्रीन दिख रहा है, आई डोंट नो अपन कैसे कुछ करके फिक्स कर सकते हैं क्या। ऑलराइट गाइस हमारे दोनों इंजन चालू हो चुके हैं, हम लोग रनवे पे आ चुके हैं, अभी टेक ऑफ का टाइम आ गया है, जल्दी से चलते हैं। और पार्किंग ब्रेक को ऑफ करना है, हमें फ्लैप्स को वन करना है टेक ऑफ के लिए। ये लाइट है, सब सही है। ओ अपने को एपीयू ऑफ करना है, मैंने एपीयू ऑफ ही नहीं किया, इनफैक्ट अपने को एपीयू भी ऑफ करना है और अपने को बैटरी भी ऑफ कर देना है, क्योंकि हो गया अपना भी इंजन पे आ चुका है। क्योंकि मेरे को पता नहीं, मेरे को दिख नहीं रहा है सही से कि बैटरी ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ है। ऑलराइट गाइस सब लोग टेक ऑफ के लिए तैयार है, 3 2 1। टोगा पे टेक ऑफ करना है क्या, ठीक है टोगा पे करते, फुल पावर से टेक ऑफ करेंगे गाइस। अबे यार मजा आ रहा है इसमें एक्चुअली खेलने को, शिट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इसमें इतना मजा आता है, मतलब मैं लिटरली आसपास देख सकता हूं हर जगह। ओके मेरे को स्पीड नहीं दिख रहा है, बट तो मेरे को चीजें दिख रहा है, पर मेरे को चीजें बहुत ज्यादा ब्लरी दिख रहा है, मतलब वो जो स्पीड जो सामने लिखा हुआ है ना वो मेरे को सही से दिख नहीं रहा है। तो आई थिंक ये 200 का स्पीड आ चुका है, ये हो गया 10 डिग्रीज, ये हो गया 15 डिग्रीज, सही है सही है सही है। ओके फ्लाइट ऊपर जा रहा है, प्लेन ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव क्लाइम, गियर अप, लैंडिंग लाइट्स को अंदर कर लेते हैं, इसको भी ऑफ कर लेते हैं, फ्लैप्स अपना वापस आ चुका है ऊपर नॉर्मल पे, ठीक है मस्त। क्या टेक ऑफ किया है गाइस, तो अपने को ज्यादा ऊपर नहीं जाना है क्योंकि अपने को नीचे देखना है यहाँ वहाँ, तो फटाफट प्लेन में ऐसा टर्न मारते हैं क्योंकि अपने को ओ मेरे यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी गिर गया। ओके मेरे को समझ रहा है ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली स्क्रीन में जो भी है उसको लेके स्ट्रीम कर रहे हैं मेरे हेडफोन पे, इसलिए मेरे को थोड़ा सा गंदा दिख रहा है। ओ वो रहा मुंबई, और रुको 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 मेरे को इतना क्लाइम नहीं करना है, आई थिंक अपन 4000 पे आ चुके हैं, मेरे को दिख नहीं रहा एग्जैक्टली यार कि अपना कितना है, पर आई थिंक अपन 4000 पे आ चुके हैं। ओके तो अपने को पूरा सर्कल करना है और अपन सर्कल करके वो साइड से आके लैंड करेंगे। वो रहा मुंबई, अबे वो रहा सीलिंग,
रुको एक काम करते अपन ना, थोड़ा सा अल्टीट्यूड लूज करते हैं। ओके अपना ये अपने को इधर लेकर आना है। शिट मैं इसको कम करना ही भूल गया था, मेरे फालतू का इंजन फुल पावर पे रन हो रहा है कब से। के एक्चुअली थोड़ा सा स्पीड क्या है अपना, अपन 300 के ऊपर स्पीड में। शिट थोड़ा स्पीड पे कम करने का है, थोड़ा सा स्पीड ब्रेक लगा लेते हैं। बड़े काम की चीज है ये स्पीड ब्रेक। ओ ये रहा मुंबई, वो रहा महालक्ष्मी रेस कोर्स। क्या किसी को मरीन ड्राइव देखना है क्या? मेरे को मरीन ड्राइव देखना है। आई थिंक हो गया, अपन स्पीड इसको बंद कर सकते हैं। पूरा मुंबई दर्शन करके फिर लैंड करेंगे आके। और सामने कुछ तो लिखा है, मेरे को पता नहीं क्या लिखा है, और कुछ तो लिखा हुआ है। मेरे को लिजिट नहीं दिख रहा है कि अपने प्लेन का ऑल्टीट्यूड क्या है, अपने प्लेन का स्पीड क्या है, क्योंकि मेरे लिए पूरा ब्लर्ड है। ओके ये रहा सामने मरीन ड्राइव। और ओके थैंक्स कि एयरबस बता देता है कि 1000 फीट पर है, वरना समझता नहीं मेरे को मैं इतना नीचे हूँ। ठीक है अभी फटाफट यहाँ से निकलते और थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड गेन करते हैं अभी, क्योंकि अपने को पूरा सर्कल मार के वापस जाके लैंड करना है मुंबई एयरपोर्ट पे। तो वीआर में एक्चुअली मजा आता है यार, मेरे को लगा नहीं था वीआर में इतना मजा आता है, पर मेरे को मजा आ रहा है वीआर खेलने में। ओके बादलों के बीच से हम जाते हुए, आई थिंक अपने को थोड़ा सा एंटी आइस वगैरह ऑन कर लेना चाहिए। कहा होता है बट ये रहा, बादल के अंदर से जाते टाइम एंटी आइस थोड़ी सी ऑन कर लेनी चाहिए, वरना दुविधाएं पड़ सकते हैं। इंजन में बर्फ जम गया तो लग गया बांधे। अबे इतना बादल क्यों है यहाँ पे, मेरे को नहीं दिख रहा है मुझे कहाँ लैंड करना है। मेरे को एयरपोर्ट ही दिख रहा है, आई थिंक वो एयरपोर्ट है। जहाँ तक मुझे पता है अपने को यही से जाके फिर एयरपोर्ट पे लैंड करना है। ओवर स्पीड भी आ गया, मेरे को पता भी नहीं कि अपना ऑल्टीट्यूड क्या है। क्या वो एयरपोर्ट है क्या? वो मैं राइट क्लिक करके जूम इन कर सकता हूँ। क्या जूम इन किया? ओ मैं इस पे जूम इन कर सकता हूँ। ओ मेरे को भी दिख रहा है, ओ मेरे को हाइट और स्पीड दोनों दिख रहा है। नाइस। ओके यस एग्जैक्टली वही वाला एयरपोर्ट है, वही एयरपोर्ट है, अपने को उधर ही जाना है। अपने क्लाइंब क्यों कर रहा है नीचे, चल भाई। तो मैं अभी जिधर हूँ मेरे को भी इधर से एग्जैक्टली पीछे जाना है लैंड करने के लिए। तो मैं पूरा प्लेन को मैनुअल में एक्चुअली उड़ा रहा हूँ, तो अभी थोड़ा सा ना एक्चुअली पता है क्या काम डिफिकल्ट नहीं है, अपन इधर जा सकते हैं। अपना डेस्टिनेशन ऑलरेडी बॉम्बे अपन ने डाल रखा है, तो अपन जाके अराइवल पे जाके सेट कर सकता है ILS रनवे 27। ऑल्दो अपने पास कोई क्लियरेंस नहीं है, पर अपन डायरेक्ट उतर जाएगा। इधर आया क्या? ओके यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जो अभी तुमको ये पाथ दिख रहा है, ये जो पाथ है अपना एक्चुअली लैंडिंग का पाथ है। एयरपोर्ट ये रहा, कहाँ है एयरपोर्ट, वो रहा एयरपोर्ट। ठीक है, तो अगर मैं ऑटो पायलट से जाऊँ तो मुझे ये पूरा पाथ फॉलो करा के उतारेगा ऑटो पायलट, बट देन मैं ऑटो पायलट का यूज नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ ये पाथ को यूज करने वाला हूँ एज अ गाइड कि मुझे किस तरफ से उतरना है। तो पहले अपन स्ट्रेट जाएंगे यहाँ पर, मेन चीज है अपने को पहले अपना थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड कम करना, अपन बहुत ऊपर है, 5000 बहुत ऊपर हो गया लैंडिंग के टाइम के। एक्चुअली उतना ज्यादा भी नहीं है, बट देन थोड़ा सा कम कर ले तो अच्छा रहेगा। दिन के टाइम में लैंड करने के लिए अपने को लैंडिंग लाइट्स की जरूरत है क्या? ओके फटाफट ना टर्न मारना चालू करते हैं, क्योंकि अपने को वो लाइन में आने का है, अपने को रनवे के साथ पहले लाइन अप करना है अपना। ओके मैं जो तरीका यूज कर रहा हूँ इस तरीके से प्लेन लैंड यूजुअली तो नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए, बट देन हम में कीड़े तो हम लोग करेंगे। अबे सामने पहाड़ आ गया, अबे कोई बात नहीं, पहाड़ अपने से दूर है, अपन पहाड़ के पहले ही टर्न मार जाएंगे। ओके थैंक्स टू द कॉल आउट मेरे को। ओके मुझे आई थिंक ये वाला ऑल्टीट्यूड बस मेंटेन करना है फिलहाल, और मुझे भी लाइन अप पे आना है। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, मालूम पड़ा प्लेन उड़ा लिया, पूरा रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। अभी मैंने फ्लैप्स ही नहीं डाला भाई, प्लेन अपना नीचे गिर रहा है। थोड़ा स्पीड तो चाहिए, इंजन कब से आइडल पे। क्या हम लोग पाथ में आ चुके? ऑलमोस्ट। ओके लुक्स लाइक हम लोग लाइन अप पे आ चुके हैं, अभी हम लोग सीधा जाके लैंड कर सकते हैं। कितना दूर है एयरपोर्ट? बट ओके है अच्छा खासा दूर है यार। ओके मुझे बाहर भी देखना है और मुझे ये भी देखना है, बट दोनों देखना इम्पॉसिबल है, तो थोड़ा बहुत मुझे अंदाजे से लैंडिंग करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अंदाजा मारना पड़ेगा मेरे को। होपफुली मेरा अंदाजा आज सही हो, मेरे को मेरा सबसे पहला वीआर लैंडिंग फेल नहीं करना है। क्या हम स्टिल लाइनअप पे है? यप ऑलमोस्ट लाइनअप पे है, थोड़ा सा इसके ऊपर देख लेते हैं कि एयरपोर्ट क्या हो रहा है। ठीक है एयरपोर्ट क्लोज टू 15 नॉटिकल माइल्स दूर है, बट आई थिंक मेरे को दिख रहा है वो एयरपोर्ट सामने। ओके लाइन की माने तो मैं सही जगह पे हूँ, लैंडिंग गियर नीचे कर लेते हैं, हल्का हल्का डिसेंट चालू करते हैं, हल्का। ओके अपन ओवर स्पीड पर पहुंच गए। ठीक है अपन अभी इंजन को आइडल पे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। मेरे को सामने नहीं दिख रहा है, सामने क्या है वो? ओके वो रनवे है, शिट। मतलब मेरे को इसमें ब्लरी दिख रहा है, ऐसा नहीं कि मेरे को मजा नहीं आ रहा, मेरे को मजा आ रहा है, मेरे को ब्लरी दिख रहा है। ओबे शिट, आई थिंक अगर मैं फोन पे तार लगाऊं तो मेरे को बेटर इमेज क्वालिटी आएगा। ये जो इमेज है वाईफाई के थ्रू आ रहा है मेरे फोन पे, बट मेरे को नहीं समझ रहा है यार क्या नजारा दिखता है यार लैंड करते करते। ये देखो नजारे कितने प्यारे प्यारे नजारे, ये देखो समंदर। समंदर नहीं है वो, जो है वो वाशी वाला ब्रिज है, और यहाँ पीछे वाशी है, वो पीछे दिख रहा है वाशी है, और इस तरफ यहाँ पर देखो सामने नीचे घाट के ऊपर है वो रहा कुरला। ऑफ कोर्स उसने मार्क ही कर दिया,
नहीं आई थिंक घाटकोपर इस तरफ है, घाटकोपर इधर है, कुर्ला आई थिंक इधर है। ओके मेरे को भी लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा ऊपर हूँ लैंड करने के लिए। क्या वो रनवे है? ओ यस वो रनवे। मेरे को उस काला का लाइन मतलब मेरे को दिख रहा है बट एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है। ओके शेर हम लोग बहुत ज्यादा ऊपर है, थोड़ा फटाफट डिसेंड कर लेते हैं। लैंडिंग गियर नीचे, अपन ने ऑटो ब्रेक्स नहीं लगाया, जल्दी ऑटो ब्रेक लगा लेते हैं। ठीक है सेट है, फुल फ्लैप्स। ओके फ्लैप्स को धीरे धीरे करना होता है पर अपन ने एक बार में कर दिया क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। के मुंबई लैंडिंग टाइम। वो देखो पहाड़ मुंबई में, पता नहीं किसका पहाड़ है वो मैं हमेशा देखा है मुंबई लैंड करते नहीं पहाड़, मेरे को आज तक पता नहीं वो पहाड़ पे क्या है। वो देखो रेलवे स्टेशन, आई थिंक ये घाटकोपर रेलवे स्टेशन है। हाँ ये घाटकोपर रेलवे स्टेशन है। कैसा भाई भाई गलत लैंडिंग, प्लेन घर में घुसने वाला है, घर के अंदर प्लेन लैंड नहीं करते हम लोग। साला अब भी प्लेन जाता पब्लिक के घर के अंदर, पर बचा लिया बचा लिया, वी आर प्रोफेशनल पायलट्स। नहीं 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 फिर से अरे 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 यार इतना नीचे क्यों जा रहा है। ओके अब करेंगे लैंड। ये देखो भाई ऐसा घर तो नहीं है मुंबई एयरपोर्ट के बाहर जा रहा है। 66 नहीं गलत नीचे आ गया था मैं, रुको अभी लैंड करेंगे। देखो अभी वीआर में लैंड करने में मजा आता है। अरे 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 इतनी जल्दी कैसे उतर गया? अच्छा हाँ बराबर वीआर में वो पर्सपेक्टिव है जो ऐसा नॉर्मल वाले में नहीं आता है। ओके हम लोगों ने वीआर में प्लेन उड़ाया, प्लेन को लैंड भी कर लिया। ओ यस मजा बहुत आया यार, आई कांट बिलीव इट गाइस, ये लिटरली एक जुगाड़ से हम लोगों ने इसको चला भी लिया और ये चीज चल भी गया और काम भी कर गया। व्हाट ओके गाइस फ्लाइट सिमुलेटर के बाद अगर मुझे कोई गेम वीआर में खेलना है तो वो है यूरो ट्रक सिमुलेटर, क्योंकि मेरे पास ये वाला ट्रक का कंट्रोल है, मेरे पास स्टीयरिंग व्हील है और मेरे पास पेडल्स है। तो मैंने सोचा कि हम लोग यूरो ट्रक 2 खेलेंगे पर देन अनफॉर्चुनेटली यूरो ट्रक मेरे पीसी में चल नहीं रहा है। ये गेम मैंने शायद से अभी 15वें बार लॉन्च कर लिया और हर बार यहाँ पर बस ऐसे ही ब्लैक स्क्रीन आ जाता है। और मैंने कुछ वीडियोस देखे कि बाकी लोग क्या एक्चुअली चल रहे हैं क्या, और हाँ लोगों के चल रहे हैं। ये देखो इसका चल रहा है, ये मस्त वाला खेल रहा है बैठ के वीआर में, पर मेरा नहीं चल रहा है। और यार पूरा सेटिंग कर लिया था खेलने के लिए और देन चल ही नहीं रहा यार, कैसे चल रहा है इन लोग का यार, मेरा क्यों नहीं चल रहा है, व्हाट द हेल। सो गाइस पिछले ऑलमोस्ट एक घंटे से यूरो ट्रक सिमुलेटर चलाने का ट्राई कर रहा हूं और मेरे को लगता नहीं कि चलने वाला है। तो ये जुगाड़ वाले VR का एक डाउनसाइड तो है कि सारे चीजें इसमें डायरेक्टली आउट ऑफ द बॉक्स एक बटन क्लिक से नहीं चलेगा, कुछ चीजें हम लोग को चलाने के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। और एक और चीज, मैंने फ्लाइट सिमुलेटर कुछ आधे घंटे के लिए खेला था और आधे घंटे खेलने के बाद मेरा आंख बहुत दुख रहा था। अभी आई डोंट नो कि ये चीज हर VR के साथ होता है या ये चीज बस ये वाले VR के साथ हो रहा है, मेरे को नहीं पता। अगर तुमने कभी VR ट्राई किया है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि बाकी VR में होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मैंने कोई VR आज तक कभी ट्राई नहीं किया। ये आई थिंक मेरा पहला मतलब जुगाड़ू अपना यही VR है जो मैंने ट्राई किया है। गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, यूरो ट्रक सिमुलेटर बाकी कोई भी गेम इसमें चल जाएगा ऑफ कोर्स, मतलब बस जुगाड़ है कुछ ना कुछ ढूंढना है, एक ना एक सलूशन निकालना चल जाएगा, पर उसको आज नहीं क्योंकि आधे घंटे खेल के मेरा अभी तक आंख दुख रहा है। एंड आई विल नॉट रेकमेंड दिस टू यू गाइस, इसको मत ट्राई करो क्योंकि मेरा आंख दुख रहा है। आई डोंट नो, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। आई थिंक इस तरह के जो VR है ना वो 5-10 मिनट कोई वीडियो देख लिया उसके लिए सही है, पर ऐसे लंबे लंबे गेम खेलने के लिए सही नहीं है। सो एनीवे गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, होप सब सभी को आज की वीडियो देखकर मजा आएगा। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब करो और तुमसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो तक के लिए, बाय बाय।